सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे नाल जुड़ी ही वड्डी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब पुलिस ने पुछगिछ की है। तकरीबन मोहाली 5 घंटे 37 मिनट तक के पुछगिछ चली है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस तो कुल 34 सवाल किए। 34 सवालों के जेडे जवाब ने वो सीधे तौर पर नहीं दिए गए लॉरेंस द्वारा। दस दिए कि गुंझलदार स्थिति को बनाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई द्वारा। फिलहाल शुरुआती पुछगिछ के दौरान तो हो सकता है कि आने वाले समय के उसी हिसाब के पुछगिछ भी की जा सकती है। तो दूसरा सवाल वड्डा यह खड़ा होंदा है कि आखिर हुण किहड़े किहड़े वड्डे जिहड़े खुलासे ने हो सकते। सो सवाल किया गया सी जिहड़ा उह सी कि पुलिस के लॉरेंस बिश्नोई नूं 34 सवाल ने। सवाल नंबर 1 की जेकर गल की जाए तो यह सी कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे बेटे का कतल करवाया और मूसेवाला के पिता ने तुहाडे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, तुहाडा की कहना। दूसरा सवाल पंजाब पुलिस दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस की जांच के यानी कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे सिद्धू के कतल का मास्टरमाइंड दसया जा रहा है, तुहाडा इस बारे की कहना। तो तीसरा सवाल तुसी तिहाड़ जेल च दिल्ली पुलिस की पुछगिछ च कहा है कि सिद्धू का कतल तुसी खुद करवाया क्योंकि सिद्धू नूं मारिया गया। सो सूत्रों के हवाले तो एक होर वड्डी खबर सामने आ रही। दस दिए कि पुछगिछ के दौरान लॉरेंस ने कई वड्डे खुलासे किए ने। उन्हें कहा कि मैं कई नामी कलाकारों तो फिरौती ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह गल मनी है। दस दिए कि गोल्डी बराड के नाल भी गलबात होंदी सी। लॉरेंस बिश्नोई ने भी गलबात कबूली है। तो नामी कलाकार के फॉलोअर्स के हिसाब के नाल जिहड़ी फिरौती है उसकी मांग की जाती सी। सूत्रों के हवाले के नाल वड्डी खबर इस वक्त की दस दिए कि काफ़ी कुछ अहम खुलासे जिथे पहला कहण दियां गल्लां बात सामने आ रही सी उत्थे ही हुण खुलासे होने की जिहड़ी चर्चा है वह भी हुण तुल फड़दी हुई नज़र आ रही है। काफ़ी खुलासे हो भी रहे ने। दस दिए कि फॉलोअर्स के हिसाब के नाल फिरौती मंगी जाती सी। सूत्रों के हवाले नाल खबर है लॉरेंस बिश्नोई का होरां दा यह कहना है। तो संगीत जगत के कई कलाकार सानू जानकारी मुहैया करवाते सन तो जिन्हों तो फिरौती लई उन्हां दे नाल साडा कोई रंजिश का मामला नहीं है। तो दस दिए कि कई अहम वड्डे खुलासे होने दी जिथे संभावनावां प्रगटाइया जा रही सी उत्थे हुण कई वड्डे खुलासे हो भी रहे ने। तो इस दे नाल ही होर वधेरे जानकारी की सांझ पाउण दे लई साडे नाल चंडीगढ़ खरड़ तो साडे सहयोगी गुरप्रीत सिंह साडे नाल लाइव मौजूद ने। गुरप्रीत जिथे लगातार पुछगिछ चल रही है उत्थे ही वड्डे अहम खुलासे भी हो रहे हैं। खास तौर पर जेकर फिरौती की गलबात की जाए तो फिरौती मंगण के तहत किहड़े किहड़े वड्डे खुलासे होए ने। देखो सर फिरौती नहीं इस पूरे मामले की जो गल की जाए गुरप्रीत तो दो तीन चीज़ा हुण जिहड़ियां ने जो सूत्रों तो जानकारी मिल रही है वो मुताबक 3-4 चीज़ा जिहड़ियां अहम कड़ियां जो सामने निकल के आईयां वो पहला अपने दर्शकों दस दी। एक तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट है जिहड़ी इस कतल केस के सिद्धू मूसेवाला कतल कांड डिनाई कर रहा। वह कह रहा है मैं कोई इस तरह का हुक्म नहीं दिता, मैं कोई इदां दा निर्देश नहीं दिता किसी नूं क्योंकि मैं तिहाड़ जेल दे विच बंद सी इस करके मेरे वालों निर्देश जाण दा कोई मतलब बनता नहीं। सो वो अपनी जिहड़ी इनवॉल्वमेंट है जां अपनी स्किन है वो सीधी सीधी सेव कर रहा है पहली गल। दूजी गल इस मामले की जो अगे हुण जांच चल रही है तो टाल मटोल वाला जिहड़ा रवैया है जां फिर जिहड़े जवाब जिस तरह के जवाब उन्हें अपने वकीलों के नाल बैठ के तैयार किए होणगे इन्ने दिनों दे विच जो जवाब उन्हें दिल्ली पुलिस में दिते वही सेम रटे रटाए जिहड़े सूत्रों मुताबक उस तरह के रटे रटाए जिहड़े जवाब ने वो पंजाब पुलिस में दिते जा रहे हैं। पंजाब पुलिस दी 3 वख-वख विंग ने जिहड़े एक SIT जिहड़ी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच बनी है वो अपने पद्धर ते इंटरोगेट कर रही है। AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ते OKU है जिहड़ी ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के जिहड़े अधिकारी ने अफसर ने तो तिने टीमों ने जिहड़ियां वो एक कंबाइंड जिहड़ी इंटरोगेशन है इहदे च हो रही है। सारे ने आपो अपने ट्रैक पर काम करना है। दूजी जिहड़ी तीजी जे आपां अहम एक गल कर लईए तो यह बिल्कुल साफ हो गया जिहड़ी असीं कल तो गल जी मीडिया लगातार कह रहे सी कि पंजाब की जिहड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा इंडस्ट्री का वड्डा प्रभाव है। 2-3 जिहड़े इस वक्त गिरोह ने जां गैंग्स ने वो कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड नूं जिवें 80s ते 90s दे विच चलाया जा रहा सी अंडरवर्ल्ड दे वल्लों जदों दाऊद इब्राहिम छोटा शकील अबू सलीम जां ये सारे जिहड़े बदनाम उदों दे गैंगस्टर सीगे अंडरवर्ल्ड दे एक्सटॉर्शन लई जांदी सी फरौतियां मंगीआं जांदीआं सी प्रोटैक्शन दे नां ते पैसे कट उगराहे जांदे सी फिल्मां दे विच पैसे लाउण लग गया सीगा अंडरवर्ल्ड। तां जिस स्टाइल ते उदों उधर काम हो रहा सी बॉम्बे दे विच
उस स्टाइल से हम काम करने की कोशिश हो रही है पंजाब की म्यूजिक ते पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री दे विच। इस गल नू लैके जो जानकारी मिली है कि इनू लैके लॉरेंस बिश्नोई ने हामी भरी है कि हाँ असी कई कलाकारां तो जिहड़े कई नामी कलाकार ने उन्हां तो असी फिरौतियां मंगियां ने, पर इहदा मतलब ये नहीं सी कि असी किसे नू मारना, उन्हें कहा कि असी किसे नू मारना नहीं सी जां असी किसे नू मारन दे विच नहीं सी कि जे किसे कलाकार तो नू फिरौती दे लई फोन कर रहे हैं, तो उहदी किलिंग दा कोई मकसद नहीं सीगा, सिर्फ ये सी कि पैसे उगराहे जाण, पैसे उगरा के उस तो बाद कई जिहड़े खरड़ मोहाली दे नेड़े तेड़े दे जिहड़े रियल एस्टेट दे विच लगे हुए लोग ने, बिल्डर्स ने, उन्हां तो भी पैसे उगराहण की कोशिश हुई है, उन्हां तो कईयां तो उगराहे भी गए हैं, जिहड़े लॉरेंस दे गुरगे ने वह बाहर रह के ये काम करते हैं, उस तो बाद पैसा इकट्ठा करके फिर नेड़े तेड़े प्रॉपर्टी दे विच इनवैसट भी किया जाता, मोडस ऑपरेंडी है जिहड़ा इहदे ते काम कर रहा है। जे पिछले दो महीने की जो साढ़े हाथ जानकारियां पिछले 15 तो 20 दिन दे विच लगियां, उन्होंने मुताबिक पिछले दो महीने दे विच घट्टो घट अद्धी दर्जन तो ज़्यादा जिहड़े गायकां ने फिरौती की रकम है जिहड़ी वो एक या दो गैंग्स नूं दित्ती है। जिहड़ा लॉरेंस दा गैंग है उहदा पंजाबी म्यूजिक ते फिल्म इंडस्ट्री ते गलवा वड्डा है, ये मन्निया जांदा कि 70% जे आपां इंडस्ट्री का पूरा 100% चंक लैके चलीए तो 70% जिहड़ा हिस्सा हैगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। 30% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਬੀ ਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟ੍ਰੋਰਸ਼ਨ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਲਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ, ਕੇਸ਼ਵ, ਚੇਤਨ, ਕੇਕੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਭੱਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਗੱਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੌਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਗੀ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਨ ਕਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੌਨ ਕਾਲ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ
वह जोड़े हथियार से पहुँचाए गए। यदा पैसा गोल्डी बराड़ दिता से गग्गी तो गोपी ने इंटैरोगेशन दौरान दसिया गया जो पुलिस सूत्रों तो जानकारी मिल रही है। तो यदा सीधा सीधा संबंध मतलब ये है कि सरहद पार तक इन्होंने कनैक्शन है जोड़े वो बन चुके हैं। हुण सरहद पार तो की वह टैरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कौन ये लोग ने यह एक वड्डी जांच है फिर ये पर गुरप्रीत जे वड्डा एक खदशा ते खतरा भी है जेकर अजिहे गैंगस्टर इन्ना वड्डा नैक्सस चला रहे ने सूबे दे अंदर बेखौफ तरीके दे नाल तो उस तो बाद फिर प्रशासन तो बहुत कोहां दूर है इन्हों तो बहुत परे है कि कह सकते हैं कि यह तो काफ़ी अगे निकल चुके हैं इन्हों काबू करने दे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै सकता प्रशासन आने वाले समय दे फिर बिल्कुल डेफिनेटली ये सिर्फ हुण इत्थों तक पंजाब पुलिस भी इस केस की सेंसिटिविटी है जिहड़ी वो चंगी तरह समझ चुकी है। सारे जिहड़े विंग्स ने वह समझ चुके ने कि किस किस लैवल का थ्रैट हो सकता है पंजाब दे लई। तुसीं ये देखो कि जे गैंगस्टर्स इन्नी आसानी दे नाल ड्रोनस दे राही एम्यूनेशन है जिहड़ा वह डिलीवर हो रहा है तो किसी भी वक्त किसी भी तरह का एम्यूनेशन है जिहड़ा किसी भी तरह का असला किसी भी तरह के हथियार पाकिस्तान तो बड़ी आसानी के नाल इधर पहुँचाए जा सकते हैं और वो फिर जिहड़े गैर समाजिक तत् ने जा टैरोरिस्ट ने वो इस तरह के तत्तों के हाथ च अगर आता है तो पंजाब की पीस पंजाब की जिहड़ी स्टेबिलिटी है उन्हें किसी भी वेले खतरा हो सकता है। और 80 तो 90 का दहाका है जिहड़ा असीं देख चुके हैं हंडा चुके हैं किस तरीके दे नाल पंजाब दा जिहड़ा उस वक्त बुरा हाल होया बर्बादियां होईयां मतलब किलिंग्स होईयां असीं सब वो देखिया। पंजाब पंजाब की पुलिस इन सारिया चीज़ों लैके सतर्क है अलर्ट है उन्होंने पता है कि खतरा है जोड़ा व्डा है। मैं पहला जमें गल कर रहा कि एक गैंगस्टर हरिंदर संधु रिंदा वो बारे कहा जाता है कि वह इस वक्त पाकिस्तान के लुकया होया हालांकि वो खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया पर पाकिस्तान तो उन्होंने एक्सट्राडीट करना पाकिस्तान तो उन्होंने भारत लैके आना ज पाकिस्तान सुपुरद कर दे भारत दे इम्पॉसिबल है पर यह जरूर जानकारियां ने उहदे बारे कि वह पाकिस्तान बैठा जे रिंदा पाकिस्तान बैठा तो ये पुलिस इस ट्रैक से भी इस उहदे भी काम कर रही है रूप से कि रिंदा तो नहीं कितने जिहड़े सारे गैंगस्टर्स मुहैया करा रहा हथियार। बिल्कुल बिल्कुल गुरप्रीत काफ़ी जो अहम कनैक्शन आने वाले समय के खुलासे के दौरान सामने जरूर आ सकते हैं। फिलहाल की जानकारी के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अगे भी तो जानकारी लेंदे रहेंगे।